मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मेरी प्यारी माँ पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है, आपको हेडिंग डालनी है मेरी प्यारी माँ, ब्रैकेट में अनुच्छेद। नंबर वन है मेरी माँ का नाम डैश है। यहाँ आप सब अपनी अपनी माँ का नाम लिखेंगे। ठीक है, नंबर टू वो बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ वो शब्द जो है हम अपनी माँ के लिए यूज कर रहे हैं, और जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए जब हम है लिखेंगे तो है बहुवचन में आता है, मतलब यहाँ है पर बिंदी लगेगी। ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये है नहीं है, हैं बोलेंगे इसको, हैं। वो बहुत सुंदर भी हैं। ठीक है, नंबर फोर वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ध्यान रखना वाक्य खत्म होने के बाद ऐसे पूर्ण विराम भी जरूर लगाना है। नंबर पांच वो घर के सारे काम करती हैं। नंबर छह वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं। स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी। ठीक है, नंबर सात वो घर के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। नंबर आठ वो मुझे पढ़ाती भी हैं। नंबर नौ वो हमेशा खुश रहती हैं। नंबर दस मुझे मेरी माँ पर गर्व है। ठीक है, देखो यहाँ सब जगह मैंने है लिखा है, लेकिन यहाँ है आएगा क्योंकि यहाँ मेरी बात हो रही है, मुझे मेरी माँ पर गर्व है, मुझे। तो खुद के लिए जब हम यहाँ है लिखेंगे तो उस पर बिंदु नहीं आएगी, बाकी सभी है हम अपनी माँ के लिए यूज कर रहे हैं तो उन पे लास्ट में अनुस्वार आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सब बच्चे, ये कई बच्चे मात्राओं की और ये बिंदुओं की बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो सबको ये अच्छे से पढ़ना है और नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में लिखना है। ध्यान रखना क्या है, ये मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी। लास्ट टाइम हमने किस पे लिखा था अनुच्छेद, गाय पे लिखा था ना, गाय पे। तो आज हम ये लिखेंगे मेरी प्यारी माँ पर अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर थोड़ी सी लाइनें लिखना। ठीक है, तो आपको ये सारी लाइनें अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखनी है और मात्राओं की मिस्टेक नहीं करनी है। धन्यवाद।